गाइज़ वेलकम बैक तो सबसे पहले थैंक यू सो 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 मच गाइज कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोज़ पर आई आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो है वो इतनी इन्फॉर्मेटिव पकड़ी है एंड इतनी पसंद आ रही है कहाँ मैंने जीरो से स्टार्ट करा था ये चैनल अन एंड कहाँ मेरे थाउजेंड wow! सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं सो थैंक यू सो मच गाइज एंड आगे भी जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो वीडियो सारी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड जो आपके यूजफुल होंगी आई एम डैम श्योर कि आपकी वीडियोज जो जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ आपके यूज़ में आएंगी मनी ऑफ़ यू गैट्स रिक्वेस्टेड कि आप लोगों को जानने के असाइनमेंट्स कैसे करते हैं तो ये वीडियो पार्ट वन है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए पी ए सेवंथ एडिशन क्राइटेरिया तो ये होता क्या है सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानते हैं इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन तो काइंड ऑफ एपीए क्या होता है uh, जो आप अभी जो ऑलरेडी यूसीडब्ल्यू में और जो बाकी जो सीनियर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं कनाडा में उनको तो पता होगा बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ एपीए क्या होता है एपीए काइंड ऑफ़ फॉर्मेट होता है जैसे आप असाइनमेंट्स लिखते हो वर्ड में आप बनाते हो तो वर्ड में एक फॉर्मैट भी चाहिए होता है तो वो क्या होता है उसको एपीए बोलते हैं एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है असाइनमेंट के लिए क्योंकि आप चाहे ये किसी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप कहीं भी चले जाओ कोई भी असाइनमेंट लिख लो स्पेशली uh, यूनिवर्सिटीज में एंड ये वीडियो मैं uh, uh, उनके लिए स्पेशल है जो यू सी डब्ल्यू में है तो उनको मैं बता देती हूँ कि ए पी ए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट्स में यूज़ करते हैं अगर आप ए ढंग से नहीं लिखोगे क्योंकि मैं ये ऑलरेडी गलती कर चुकी हूँ एंड मैंने आपको बोला जो मैं गलती करूँगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि ताकि वो आप, लग, आप लोग अवॉइड कर सको तो उस फॉर में क्या होता है क्या उसकी कंडीशंस होती हैं क्या होता है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एंड अगर आप उसको फॉलो करोगे तो असाइनमेंट्स आप बहुत इजीली कर सकते हो जो भी आपके आगे आने वाले असाइनमेंट्स होंगे यूनिवर्सिटीज में उनमें साफ साफ लिखा होता है कि एपीए होना मैंडेटरी है अगर एपीए नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काट लेंगे एंड आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत नीचे चली जाएगी तो बहुत मैंडेटरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीए को फॉलो करना है तो आ, इनके पास क्या होता है एक टूल होता है काइंड kind ऑफ of, और सबसे पहले इनका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि ये मार्क्स किस बेसिस पे देते हैं एपीए के ऊपर अगर आपने एपीए ढंग से फॉलो नहीं करा तो भाई कट गए मार्क्स मेरे साथ हुआ ये मेरे बहुत मार्क्स इस चीज़ में कटे हैं लेकिन मैंने क्या करा प्रोफेसर्स को रीच आउट करा क्योंकि भाई इंडिया में मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में कभी हमने असाइनमेंट्स नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पे आके हमें असाइनमेंट्स लिखने पड़ रहे हैं और उसके लिए मुझे नहीं पता था भाई यहाँ पे क्या फॉर्मेट होता है क्या नहीं होता तो uh, मैंने प्रोफेसर्स को रीच रीचआउट कराया मैंने उनसे पूछा एंड मैंने अपना फीडबैक लिया था कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूं देन मैंने ए की वर्कशॉप ली बहुत रिसर्च करी गाइस मैंने बहुत रिसर्च करी है इसीलिए मैं आपको वीडियोस बते वीडियो में बताने चाह रही हूँ oh. अब चलते हैं मेरे लैपटॉप पर मैं स्क्रीन शेयर पर आपको सारा दिखाती हूँ कि ए कैसे होता है मैं थोड़ा असाइनमेंट का ओवरव्यू देती हूँ सब कुछ लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगी कि असाइनमेंट मेन असाइनमेंट कैसे करते हैं बट ये मत समझना की एपीए जो है वो ये जो वीडियो है ये थोड़ी फालतू हो गई भाई नहीं ये बहुत यूज में आने वाली है जब असाइनमेंट करोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलने वाली है तो इसीलिए शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक like करना कमेंट्स करना कुछ नहीं समझ आया लेट मी नो मैं सॉल्व करूंगी तो या लेट्स गो इन माय लैपटॉप तो गाइज ये टेम्पलेट है जिसमें सारा एपीए का सारा बता रखा है मैं एक एक करके सब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है तो ये एक टेम्पलेट है ये ये पूरा आपका असाइनमेंट है ये एक एग्ज़ाम्पल है जस्ट और ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है यहाँ से कॉपी मत करना बट आप इसको टेम्पलेट के लिए यूज़ कर सकते हो तो आ, सबसे पहले गाइज ये हमारा होता है आ, ये जो फर्स्ट ये होता है हमारा फ्रंट पेज और ये हमारा होता है मेन पेज मेन टाइटल पेज होता है तो सबसे पहले यहाँ पे ये ए पी एस सेवन्थ एडिशन की हम बात करें तो सेवन्थ एडिशन के अंडर ये बोलते हैं कि आपका जो पेज नंबर है वो टॉप कॉर्नर पे राइट एंड साइड होना चाहिए देन उसके बाद ये आपका टाइटल होता है और टाइटल जो होता है वो मतलब मेन आपकी जो पूरे असाइनमेंट की जो मेन हेडिंग है वो आपकी होती है तो ये मेन हेडिंग यहाँ पे आएगी और ये हमेशा आपकी बीच में सेंटर्ड रहेगी बोल्ड में होगी और ये जैसे यहाँ पे आपका पेज नंबर है यहाँ से आपको दो तीन स्पेस छोड़नी है यहाँ पे आपको एंटर एंटर मार के और ये थोड़ा सा मतलब तीन चार स्पेस छोड़ के आपको हेडिंग लिखनी है देन अगेन दो दो तीन स्पेस छोड़नी है आपको उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है स्टूडेंट आई डी लिखनी है आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है आपको अपने कोर्स का नाम लिखना है आपको अपने प्रोफेसर का नेम लिखना है एंड आपको अपने जो भी सबमिशन डेट uh, है वो लिखनी है एंड आपको हर एक उसमें स्पेस पेस छोड़ते चले जाना है और ये जो आपका होगा जो पूरा आपका ये जो फॉर्मेट uh, होता है इसमें आपका वन मिन वन इंच का आपका मार्जिन होना चाहिए तो आप ये सेटिंग अपने वर्ड में जाके कर लेना आपका वै, वैसे तो डिफॉल्ट सेटिंग होती है बट स्टिल अगर किसी के में नहीं है तो आप अपने एंड से कर लेना तो हर इसमें आपका एक एक इंच का मार्जिन होना चाहिए देन इसके बाद हमारा जो है वो यहाँ से ये पेज टू है हमारा ये पूरा हमारा पेज टू है तो पेज टू में क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे अगेन आपका पेज सबसे ऊपर सबसे ऊपर आपका पेज नंबर रहेगा देन जो सेकंड पेज होगा सेकंड पेज में आपको क्या करना है अगेन हेडिंग रहेगी सबसे टॉप पे हेडिंग रहेगी जो वही हैडिंग जो आपने फर्स्ट पेज पे टाइटल पे डाली है और ये हर पेज पे नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ जहाँ से आपका असाइनमेंट शुरू हो रहा है वहाँ पे आपको एक हेडिंग डालनी है और ये हमेशा क्या रहेगी बोल्ड में रहेगी बोल्ड प्लस सेंटर अलाइन में रहेगी सेंटर अलाइन में नेक्स्ट आपका यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन जो भी आपको शुरू करना है हर पैरा जो भी आपका पैराग्राफ है वो आपको हम क्या करते हैं हम एकदम स्टार्टिंग तो से यहाँ से शुरू करते हैं लेकिन आपको यहाँ से तीन चार स्पेस छोड़नी है देन आपको अपना लिखना है तो ये फर्स्ट ये आपका रूल होता है काइंड kind ऑफ of. उसके बाद ये तो हमारा मेन हेडिंग हो गई इसके बाद आपको जो सब हेडिंग लिखनी है वो आपका क्या रहेगा वो आपका लेफ्ट अलाइन में रहेगा और आपका बोल्ड uh, में रहेगा ये आपका सब हेडर्स है गाइस ध्यान रखना ये सब हेडर्स है नॉट द मेन हेडिंग तो ये आपका लेफ्ट अलाइन प्लस बोल्ड में नेक्स्ट इसके अंदर जो चीजें हैं वो आप क्या लिखोगे अगेन जैसे आपने यहाँ से पैराग्राफ शुरू करा है स्पेस छोड़ो और अपना पूरा लिखते चले जाओ नेक्स्ट इसके यहाँ पे आपका नेक्स्ट इसके नीचे कंटिन्यू कर रहे हो पैरा तो यहाँ पे अगेन हर जगह जो भी आप नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हो स्पेस छोड़ते चले जाना है आपको देन इसके बाद ये सारा सॉर्टेड है इसके बाद ये हो गई हमारी हेडिंग वन ये हो गई हम हेडिंग वन हमेशा इट विल बी इन द मिडल विद बोल्ड एंड जो आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सेकेंड हेडिंग रहेगी उसी हेडिंग के नीचे वो आपकी रहेगी दैट शुड बी इन लेफ्ट अलाइन एंड इन वोल्ड नाउ कमिंग टू थर्ड हेडिंग जो आपकी एडिंग के अंदर अगर आप थर्ड हेडिंग सब हेडिंग लिखने वाले हो सब हेडिंग के भी सब हेडिंग डालने वाले हो तो ये आपका ऐसे आएगा आपका इटालिक्स में आएगा वो भी लेफ्ट अलाइन में सेम होगा बट आपको लेफ्ट बस आपको इटालिक्स कर देना उसको देन इसके बाद अब बात करते हैं नीचे जाते हैं अभी मैं साइटेशन के बारे में ग्रीन ग्रीन वालों को इग्नोर करना ये आपको धीरे धीरे अभी बताऊंगी मैं थोड़ा आगे जाके नेक्स्ट ये हो गया अब करते हैं बात ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बट जब समझ आ जाए तो ईजी हो लगता है जैसे आप अगर आपको कोई डायग्राम से आपको कुछ प्रेजेंट करना है या कुछ ग्राफ लगाना है या कुछ भी आपको अगर असाइनमेंट में आ, लगाना है तो उसका भी होता है ये नहीं आप सीधा कुछ भी लगा दोगे इसका तरीका बताते हो सबसे पहले आप इसको ऊपर मेंशन करोगे लेफ्ट लाइन में फिगर वन और बोल्ड में नेक्स्ट इसके नीचे जो लिखोगे ये आपका फिगर वन किस ये जो आपका टेबल है किसके ऊपर है तो ये आप इसको ऊपर मेंशन करोगे वो भी इटालिक्स में देन इसके बाद आप अपना ये ग्राफ लगाओगे और शुड बी क्लियर जो भी आप टेबल लगाओगे कुछ भी लगाओगे इट बी क्लियर अब उसमें क्या होगा सबसे यहाँ पे इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी आप ग्राफ बना रहे हो इसके ऊपर आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए प्रॉपर जो जो हमारा ग्राफ होता है वैसे होना चाहिए एंड ये ग्राफ तो हो गया इसके नीचे आपको एक नोट जरूर लगाना है नोट क्या लगाओगे आप कहीं ना कहीं से आपने रिसर्च तो करी होगी तो नोट में ये क्या इसको ये जो ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप इसमें मेंशन करोगे और कहाँ से आपने उठाया है ये किसकी रिसर्च है वो आपको नोट में मेंशन करना है और ये जो होगी ये जो फिगर होगी ये डबल स्पेस्ड होगी वर्ड होगा नोट भाई छोटी छोटी चीजें हैं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है जो वर्ड नोट है ये आपका इटैलिक्स में होगा और बाकी जो आपका होगा ये नॉर्मल होगा और अगर आपको कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये एरोज में अगर आ, सब सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है तो आप इसकी रेफर, इसका रेफरेंस ले सकते हो तो इसमें जो नोट है वो आपका एटाइलेक्स में आएगा और जो इन्होंने ऐसे बोला है कि जो बाकी होगा इंक्लूड एनी एडिशनल फॉर्म हेयर एंड इंक्लूड वेदर द फिगर इमेज और टेबल वॉज रीप्रिंटेड कि ये कहाँ से उठाया है आपने एंड फ्रॉम अनदर सोर्स और किस सोर्स से उठाया है और आपको कॉपी राइट उनका जरूर मैंशन करना है कि ये कहाँ से उठाया है आपने ठीक है ये तो आगे चलो ग्राफ वाला आ गया नेक्स्ट अगेन ये जो टेबल नंबर है ये आपका लेफ्ट लाइन होगा बोल्ड में होगा अगेन आपका जो uh, सब हेडिंग होगी ये क्या होगी ये टाइटल होगी और ये भी इटालिक्स में होगी देन ये आपका नॉर्मल टेबल आ गया अब इसमें आपको नोट अगे अगेन मैंशन करना है नोट भी अगेन देखो कि आपका नोट इटालिक्स में और बाकी सब नॉर्मल है तो इसका आप नोट पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि दिस इज द टेबल नोट इट शुड बी डबल स्पेस्ड डबल स्पेस्ड इन द सेंस कि जहाँ आपका टेबल ख़त्म है वहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है आपको और वो भी नोट आपका इटालिक्स में होगा जब आप इसको मल्टीपल सोर्सेस से अगर आप जैसे आपने ये डेटा उठाया 2019 का आपने अलग उससे उठाया 2020 का अलग उठाया है तो कहाँ कहाँ से आपने उठाया है उसको कंबाइन करके आपको एक नोट बनाना है और उस उस सोर्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसका कॉपीराइट आपको मेंशन करते चले जाना है नेक्स्ट चलते हैं देखो अब यहाँ से अब आपको थोड़ा क्लियर क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई होगी ये आपकी सब हेडिंग है आपका जो पे, नया पैरा होगा वो थोड़ा डबल स्पेस करके एंड नया पैराग्राफ फिर आपको एक स्पेस छोड़ना है फिर कंक्लूजन ये आपका जो होगा कंक्लूजन वगैरह ये हेडिंग्स आपके बीच में आएंगी एंड अगेन पैराग्राफ यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है इसे इग्नोर करना अब मेन बात करते हैं रेफरेंसेस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है असाइनमेंट्स का इसमें क्या होता है गाइज कि रेफरेंस अगेन आपका बीच में लिखना है सेंटर अलाइन बोल्ड और सबसे बड़ी बात जो रेफरेंस होगा ये पूरे नए पेज पे आपको लिखना है जैसे आपका अगर सिक्स uh, पेज पे अगर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आपको रेफरेंस नेक्स्ट पेज पे लिखना है इसी के नीचे कंटिन्यू नहीं करना देन अब क्या है ये अलग अलग रेफरेंसेज यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं कि कैसे आप क्या uh, लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो आपको ऐसे लिखना है मतलब जहाँ से भी आपने उठाया है ये लिखो एंड वहाँ पे उसका लिंक लगाओ देन अगेन यहाँ जहां से उठाए लिखो लिंक लगाओ ऐसे करते करते अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो कि ये जो आपके है तो ये सारे आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए अब देखो ए एल देन एम पी तो ये सारा क्या है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है तो बस यही है ज्यादा मुश्किल नहीं है अब बात करते साइटेशंस की साइटेशंस जो है भाई सारा खेल इसी का होता है जो असाइनमेंट होते हैं असाइनमेंट में अभी मैंने आपको बताया कि आप कहीं से तो उठाओगे और ये जो रेफरेंसेज हम लिखते हैं ये रेफरेंसेस हम कहाँ के लिख लिए लिखते हैं आपके जो साइटेशन होते हैं यानी या हमने जो भी असाइनमेंट में जो हेल्प लिया है जो गूगल रिसर्च करा है हमने वो सारा यहाँ से उठाया है हमने अब इसको हमें साइट करके लिखना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस साइट से अगर कुछ उठाया है तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई इस साइट से मैंने उठाया है अब मैं इसे साइट करके कैसे लिखूंगी साइट करने के भी तरीके होते हैं साइट करने का तरीका ये है जैसे जिस भी ऑथर ने आपका लिखा है फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने उठाया है गूगल से ठीक है तो मैं इसको क्रेडिट दे दूंगी साइटेशन होता है कि जहाँ से मैंने उठाया उस बंदे को आपको क्रेडिट देना होता है कि भाई मैंने यहाँ से उठाया है तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करने करना पड़ता है उसका लास्ट नेम या उसका पूरा नाम जो वो इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हो एंड कॉमा देन किस ईयर में वो पब्लिश हुआ है वो आपको लिखना है अब जैसे 2004 से उठा रखा है तो यहाँ पे 2004 एंड ब्रैकेट क्लोज अगर कोई डेट नहीं है तो आप क्या लिखोगे एन डॉट डी मतलब नो no डेट तो ऐसे आपको लिखना है तो हर जगह जो अब सारा खेल क्या होता है गाइज एक तो ए ए का होता है एंड साइटेशन भाई प्रोफेसर्स को जितनी साइटेशन आप डालोगे उतने वो इम्प्रेस होंगे जितनी कम डालोगे मैक्सिमम वो ये कहते हैं कि तीन तो होनी चाहिए लेकिन आई एल सजेस्ट कि हर पैराग्राफ में कम से कम दो दो साइटेशंस डालो अगर मैंने बहुत देखा है कि भाई जितना हम डालते हैं और वो भी कई अपने इनको पैराफ्रेज करके लिखना है आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने ये ध्यान रखना जरूर अगर कॉपी पेस्ट सीधा सीधा कर दोगे सिमिलैरिटी ऊपर तक पहुंचेगी देन आपने इनको क्रेडिट दे दिया और क्रेडिट दे के आपने रेफरेंस में मेंशन कर दिया इन केस अगर प्रोफेसर पढ़ना चाहे तो वो यहाँ पे आके आपने कहां से उठाई है वो वो लाइन पे आके पढ़ लेता है तो ये आपका असाइनमेंट है ये पूरा आपको असाइनमेंट लिखना है टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड का धीरे धीरे जब आप यूसी डब्ल्यू में आओगे आपको पता चलेगा तो बस ये एपीए होता है एंड एपीए में सबसे ज्यादा और क्या होता है ये तो चलो फॉर्मेट हो गया कॉमास फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट्स ये सब आपको टाइमली और ढंग से लगाने हैं ये भी एपीए का फॉर्मेट है अगर आप इनको भी फॉलो नहीं करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो गया तो गाइज जब आप असाइनमेंट्स करते हैं ना तो असाइनमेंट्स में दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं और जिसका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है वो एक है फर्स्ट इज ए पी ए सेकेंड इज हमारा प्लेजरिज्म यानी कि सिमिलैरिटी सम काइंड ऑफ क्या होता है कि सिमिलैरिटी होती है प्लेजरिज्म और एपीए दो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होने वाली है इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ असाइनमेंट्स में आ, मैं आपको असाइनमेंट अपना नहीं दिखा सकती क्योंकि थोड़ा कॉपी करने का बहुत कॉपी करने का बहुत रिस्क होता है तो मैं अपना पूरा प्रॉपर असाइनमेंट आपको नहीं दिखा सकती ये जस्ट एक टेम्पलेट है जो आप जिसका रेफर कर सकते हो अगर आप इस फॉर्मेट से अगर आप इसे फॉलो कर करके अगर लिखते जाओगे तो आपके एटलीस्ट कंटेंट तो छोड़ो आपका ए पी से बहुत आपके मार्क्स भर सकते हैं साइटेशंस अगर डालोगे बहुत आपके मार्क्स भर सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोफेसर इस चीज़ पे बहुत जज करते हैं आपको वो ऊपर अगर भाई उनके पास नहीं टाइम होता कि वो आपका फुल एक एक वर्ड रीड करें ऊपर से वो क्या करते हैं वो चेक करते हैं कि भाई आपने ए पी ए से सारा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा देन आपका वो आ, सारी ग्रामर वगैरह आपके कॉमर्स वगैरह वो चेक करते हैं वो कैसे करते हैं इनके पास टूल होता है टूल में वो सीधा डाल देते हैं उनके पास सारे एरर्स आ जाते हैं अब आप कहोगे कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कैसे दे तो यू सी डब्ल्यू वालों के लिए ये बेनिफिट है कि यूनिवर्सिटी आपको ग्रामरली का एक्सेस बिल्कुल फ्री देती है तो वो भी प्रीमियम वाला तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड उसमें आप अपना पेपर डालो और सारा आपका ग्रामर से ग्रामरली से आप सारा एडिट कर सकते हो और अपना सॉर्ट कर सकते हो तो अगर आप न्यू हो और आपको नए आपको आपका एक्सेस मिल जाएगा और अगर नहीं मिला तो रीच आउट करो स्टूडेंट अफेयर्स वालों को आपका क्लियर हो जाएगा तो गाइज ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप टूल्स यूज कर सकते हो असाइनमेंट्स करने के लिए एंड कैसे आप रेफरेंसेस को साइट कैसे कर सकते हो सब uh, वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आई नो एज अ स्टूडेंट सबको स्ट्रगल करना होता है स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम इंडिया थैंक अगेन थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे गाइज आर माई यूट्यूब फैम सो थैंक्स यूट्यूब फैम फॉर ऑल ऑफ द लव एंड सपोर्ट शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक like करो कॉमेंट्स करो कुछ समझ नहीं आता Uh, करो नेक्स्ट वीडियो अभी बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे थे लोगों को जानना है कि कनाडा uh, के लिए क्या क्या लेके आए स्पेशली गर्ल्स क्या लेके आए एंड uh, यहाँ पे असाइनमेंट्स कैसे करते हैं प्रोफेसर्स कैसे चूज़ करते हैं मैं uh, इन पे भी वीडियोस बनाऊंगी धीरे धीरे मैं ट्राई करती हूँ कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने का बट आई एल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू गाइज एज़ मच एज़ पॉसिबल थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे टू एंड प्यार देते रहो वैसे ही थैंक यू सो मच बाय